सारे गमा रे गमा प गमा प धम प धनी प धनी स प धनी स म प धनी गमा प ध रे गमा प गमा नी सारे गा धनी सारे प धनी सा। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया अलंकार बता रहा हूँ जो हमारी आवाज़ की तैयारी के लिए और हाथ की तैयारी के लिए दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया है। यह अलंकार आप पहले कर भी चुके होंगे पर आज मैं जो आपको बताऊँगा वो मेरा खुद का टेक्निक बनाया हुआ है और उसके फायदे क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको जिसको इसको जैसे हम आपको बताएं बिल्कुल वैसे प्रैक्टिस करना है और धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है। ये हम शीश से ले रहे हैं अलंकार सारे गामा रे गामा पा और ये हमारा थाट आसावरी में है। थाट आसावरी में कोमल गा कोमल धा और कोमल नी का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे आपने इस अलंकार को किया होगा सारे गामा रे गामा पा गामा पा धामा पा धानी पा धानी सा सानी धापा नी धापा मा धापा मा गा पा मा गा रे मा गा रे सा, इस तरह से आपने किया होगा। अलंकार हमारा वही है पर मैं जो आपको बता रहा हूँ टेक्निक उससे हमारी क्या होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक गले की तैयारी होगी। अभी क्या है जैसे मैंने किया तो हमारी तैयारी यहाँ से यहाँ तक हुई क्योंकि सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा फिर सा नी धा पा मा धा पा मा गा रे मा गा रे सा, तो यहाँ से यहाँ तक तैयारी हुई, ठीक है। और इसी अलंकार को हम दूसरी विधि से करेंगे तो हमारी तैयारी यहाँ तक होगी, ठीक है। अब आइए शुरू में मैं आपको बिल्कुल स्लो में बताता हूँ। सा रे गा मा और फिंगर भी आप देखें, फिंगर जो हमारी उंगलियों का चलन है क्योंकि जब हमारी उंगलियों को चलन सही होगा तभी हमारे हाथ में स्पीड आएगी। अगर उंगलियां सही नहीं चलेंगी अलंकार पे तो स्पीड नहीं आएगी, ठीक है। सा रे गा मा और रीड पे हम फिंगर को इस तरह प्रयोग नहीं करेंगे। सा रे गा मा कई बार स्टूडेंट इस तरह से प्रयोग करते हैं, ठीक है। रीड की जो ये सर होता है उस पे हमें फिंगर को प्रयोग करना है और हाथ को ऐसा खड़े रखना है, ठीक है। सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी, ठीक है। पा धा नी सा और फिर पा धा नी सा, जब दूसरी बार पा धा नी सा लेंगे तो सा पे यहाँ पे थर्ड फिंगर प्रयोग करेंगे क्योंकि अब हमें मापे जाना है। मापे जाने के लिए हमें पूरा हाथ खाली रखना पड़ेगा, ठीक है। मा पा धा नी गा मा पा धा रे गा मा पा सा रे इस तरह, ठीक है। हर बार जब हम वापस जाएंगे तो हमारे हर स्वर पे छोड़ते हुए तीसरे फिंगर को प्रयोग करते हुए आएंगे। इस तरह आपको इस अलंकार को प्रैक्टिस करना है। एक बार सरगम का प्रैक्टिस करेंगे और एक बार आकार का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार देखिए सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा नी
जैसे हमारे यहां से यहां तक जो हमारा प्रैक्टिस हुआ है इस अलंकार का, अब यहां पे नी धा पा ये तीन स्वर हमें मंद्र सप्तक के मिले हैं, ठीक है, इसी अलंकार में। अब ये तीन स्वर हमको जब मंद्र सप्तक के जब उनको हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे गले की जितनी मंद्र सप्तक की आवाज मजबूत होगी उतना ही आप तार सप्तक में जा पाएंगे। अगर मंद्र सप्तक कमजोर है तो तार सप्तक पे आवाज नहीं चढ़ेगी, चढ़ेगी तो वो प्रॉपर सुर नहीं लगेगा, वो हल्की रहेगी। जैसे एक पेड़ होता है, अगर पेड़ की जड़ जो जड़ होती है वो कमजोर हो तो वो ऊपर ज्यादा लंबा नहीं हो सकता, ठीक है, वो छोटा ही रह जाएगा क्योंकि जड़ उसकी कमजोर है। और जब जड़ हमारी मजबूत होती है तो पेड़ बढ़ता जाता है और वो बहुत ही ऊंचाई तक पहुंच जाता है। तो ये जितनी हमारी जड़ मजबूत होगी, अभी तो हमने धा सॉरी नी धा पा लिया है, जब इधर माँ तक भी हमारी आवाज चली जाएगी, गा तक चली जाएगी, ठीक है, तो जितनी इधर जाएगी उतनी ही इधर बढ़ेगी, ठीक है। इधर आप ये गा हो गया, ये माँ हो गया, यहाँ तक आप की आवाज पहुंच जाएगी, तो आपकी आवाज तैयार होगी यहाँ से यहाँ तक। हमारी जो गायकी होती है वो ज्यादातर जो होती है वो ये पा जो लास्ट है नीचे का और ऊपर का जो माँ होता है ये लास्ट होता है, ठीक है, इतने बीच में ही हमारी गायकी होती है। तो ये हमारा जो फाउंडेशन होता है, जब इतने बीच में हमारी गायकी अच्छे से आवाज तैयार होती है तो हम किसी भी गीत को आसानी से गा लेते हैं, ठीक है। तो इस अलंकार को प्रैक्टिस करने का यही फायदा है कि हमारी मंद्र सप्तक में ये तीन सुर की जो आवाज है वो बराबर तैयार होगी, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें। देखिए हम आगे जब ही बढ़ पाएंगे संगीत में जब हम खूब स्वयं मेहनत करेंगे। आपका टीचर आपका गुरु आपको रास्ता दिखाता है, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रैक्टिस के लिए बताएगा जिससे आप जल्दी तैयार हो सकें, लेकिन करना आपको ही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अलंकार के साथ, तब तक खूब प्रैक्टिस करें। नमस्कार।